प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों को बम डिस्पोजल संबंधित जानकारी दी गई। एएसपी श्रीमती राजेश्वरी महोबिया ने बताया कि बम डिस्पोजल संबंधित समस्त जानकारी निरीक्षक श्री खालिक मुश्ताक बम डिस्पोजल विशेषज्ञ अधिकारी इंदौर द्वारा दी गई। नव आरक्षकों को बताया गया कि आपको अपनी ड्यूटियों, त्योहारों एवं वीवीआईपी के आगमन पर विशेष इंतजाम लगाए जाते हैं, तब आपको वहां की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। आप तभी अच्छी तरह से ड्यूटी का निष्पादन कर पाएंगे जब आपको बम डिस्पोजल के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी एवं उनके द्वारा बताया गया कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस मैकेनिज्म में क्या क्या लगा होता है, आईडी एक्सप्लोजिव कौन कौन से होते हैं एवं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, यूरिया अमोनिया नाइट्रेट यह सभी खाद हैं जो खेती में काम आते हैं, इनका बम डिस्पोजेबल में क्या क्या काम होता है, होममेड एक्सप्लोजिव कौन कौन से होते हैं एवं उनके द्वारा टीएमटी स्लैब एक्सप्लोजिव खिड़की सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर एवं अन्य बम डिस्पोजल सामग्रियों को नवारक्षकों को दिखाया गया एवं इसके सुरक्षा बचाव एवं कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। उनके द्वारा मेटल डिटेक्टर, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, एनएलजेडी एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव वेपर डिटेक्टर संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई। अपने कार्यक्रम में उनके द्वारा बम सूट पहने व्यक्ति द्वारा कैसे बम की सूचना प्राप्त होने पर कंफर्म होने पर बम को किस तरह से सेफ जोन में रखा जावे एवं क्या क्या सावधानियां रखी जावे संबंधी जानकारियों से नवारक्षकों स्टाफ को अवगत कराया गया। ये आपको हमेशा काम आएगी और किसी भी जिंदगी में आपने एक व्यक्ति की भी जान बचा ली अपने ज्ञान से तो बहुत बड़ा काम। क्या कर रहा है यहां से कितनी दूरी होगी लगभग, ये कितना डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जब भी डिटेक्ट करेगा केवल मेटल करेगा, क्लियर है? चलिए हटा दो। अब दूसरा एक इक्विपमेंट है हमारा